क्वेश्चन नंबर 132, इसमें अपन को तीन वेन डायग्राम दिए हैं और ये कंडीशन दी है कि सम ऑफ द स्टूडेंट्स प्ले टू टाइप्स ऑफ गेम एंड नन ऑफ प्ले ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ गेम। अपन को ये बताना कि कौन सा वेन डायग्राम अबव स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर। तो अपने ये वाली स्टेटमेंट का जैसे कोई मतलब नहीं है, अपनी मेन स्टेटमेंट है ये वाली, नन प्ले ऑल द थ्री गेम, मतलब कि एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जो तीनों गेम खेलता है। इसका क्या मतलब है, वेन डायग्राम के अंदर ऐसा एक भी पॉइंट ना हो जहां पे जो सर्कल है वो तीनों हो। मतलब नहीं समझे आप, देखो जैसे पी वाला है, पी वाला जो ये वाला जो पार्ट है वो इस सर्कल के अंदर है, इस सर्कल के अंदर है, और ये दोनों सर्कल इस सर्कल के अंदर है। तो मतलब ये वाले जो बच्चे होंगे ना, ये वाले जो मैं शेड कर रहा हूँ, वो तीनों गेम खेलते होंगे। तो अपन को ऐसा तो चाहिए नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जो तीनों गेम खेलता हो। तो पी वाला गलत है। क्यू वाला देखते हैं, क्यू वाले में ये वाला जो पार्ट है वो इस सर्कल के अंदर भी है, इस सर्कल के अंदर भी है, इस सर्कल के अंदर भी है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। आर में ये वाला जो पार्ट है वो इस सर्कल के अंदर भी है, इस सर्कल के अंदर भी है, इस सर्कल के अंदर भी है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब है नन ऑफ दिस इसका आंसर होना चाहिए, कि ऐसा एक भी वेन डायग्राम नहीं है जो इस सिचुएशन को सेटिस्फाई कर रहा। इसका जो वेन डायग्राम होगा ना वो कुछ ऐसा बनेगा, एक सर्कल, दो सर्कल और तीन सर्कल, ऐसा कुछ ऐसा हो सकता है। सम स्टूडेंट्स प्ले टू टाइप्स ऑफ गेम, हाँ ये ऐसा कुछ बनना चाहिए इसका वेन डायग्राम, पर ऐसा इसमें से एक भी नहीं है, तो उसका आंसर होगा नन ऑफ दिस।